फेसबुक आईडी मेरी है, एक इंस्टा आईडी मेरी है, इसके अलावा मैं कोई भी डिजिटल का कोई भी मुद्दा यूज नहीं करता। कब मिली थी आप लास्ट टाइम? सर मुझे याद है। चुनाव लड़ेंगे मेरी मैं रात को कहीं और काम करती हूँ, दिन मेरा कहीं और निकलता है, तो ऐसे परिस्थितियों में मैं ये याद नहीं रख सकती कि किस तारीख को मैं बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुना है बीजेपी? सर मैंने आपको बताया जब मैं कोई भी पार्टी या कुछ भी मुद्दा होगा तो मैं इतने ही प्यार से आपको पहले आप लोगों को बताऊंगी। सब लोगों से ज्यादा मायने मेरे लिए आप लोग रखते हो, इतने प्यार से आके मैं आपको बताऊंगी कि हाँ अभी मैंने ये काम किया है। सपना आप कलाकार हैं, मनोज तिवारी भी कलाकार हैं, आपने भी जाना है। हाँ जी, मनोज तिवारी ने बयान दिया है कि वो बतौर अध्यक्ष आपके संपर्क में हैं और भाजपा के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, तो क्या आप भाजपा ज्वाइन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे? ये उनसे पूछिए ना, ये बोल दिया। हाँ उन्होंने बोल दिया। संपर्क में मनोज तिवारी? हाँ मैं बिल्कुल, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है और हमेशा रहेंगे, मुझसे बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ। अभी सर आर्टिस्ट के मामले में ये नहीं ना कि अगर बाहर कोई डॉक्टर आया है, कोई बाहर कोई डॉक्टर आया तो मैं बीमार हूँ, बाहर कोई एडवोकेट आया है तो मेरे पे केस लग गया, ऐसा मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है इन चीजों से। मेरे को देखिए, मेरे को बड़े मजे आ रहे थे, मुझे बहुत मजे आ रहे थे, और जिस तरीके से आपने मजे लिए उसी तरीके से मैंने मजे लिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको लगता है कि मुझे टिकट नहीं मिल सकता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। ऑफकोर्स नॉट। सपना मेरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से आपकी एक फोटो डाली, उस फोटो में लिखा हुआ था कि आपने कांग्रेस राज बब्बर के आवास को ज्वाइन किया। राज बब्बर जी से मैं नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद का सवाल है। हाँ। कि उसके बाद फोटो ही उस ग्रुप में फोटो डाली गई कि प्रियंका गांधी के साथ है और आपके भाई भी साथ है, आपने कांग्रेस ज्वाइन किया। मेरे भाई भी साथ में है। कौन भाई? कोई भी भाई होता है? अभी वही बात है, अब भाई मेरे को बताइए ना कि कौन भाई साथ में। देखिए आप संपर्क किया था ज्वाइन करने के लिए? हाँ किया था। किसने किया था? नहीं किया, मैंने नहीं ज्वाइन की है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया। संपर्क किसने किया था? भविष्य में कोई ऐसी योजना है कि आप कांग्रेस ज्वाइन करें? नहीं। अच्छा, आप सर ये मुद्दा ये नहीं है किसने संपर्क किया, संपर्क बहुत लोग कर सकते हैं। सपना आपकी सिस्टर को टिकट की बातें चल रही हैं कि आप नहीं लेकिन आपकी सिस्टर ये बैठी है कांग्रेस में टिकट से, ये बैठी है, आपको इसकी शक्ल देख के लगता है कहीं से बड़ी है मुझसे। 2019 का क्या चुनाव लड़ेंगी आप? अभी नहीं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, नहीं लड़ूंगी। अच्छा, राहुल क्या लगता है कि बात को देखना चाहती हैं क्या आप? हाँ जी, इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? सर ये डिसीजन मेरा नहीं है, एज ए सिटीजन, ये पब्लिक का है, ये नागरिक का डिसीजन है, मैं ना वोट देती हूँ। लीगल एक्शन लेंगी कोई जो आपने फर्जी चला है सारा जिन्होंने नहीं किया? कोई नहीं, नहीं कोई कंप्लेन नहीं। आपको बता दिया, आपसे बड़ा डिसीजन कोई हो सकता है? आप कचहरी नहीं है ना? नहीं, आप मीडिया, मीडिया मेरे ख्याल से हमारी नींव है, हमारी जड़ है, और आपसे बढ़कर मुझे वैसे भी कोई साधन नहीं लगता अपनी बात को रखने का, अपनी बात को बताने का। आप नाराज है कांग्रेस से जिस तरीके से? सर मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ बस। नहीं, ये चर्चा इस वजह से उस समय से शुरू हुई थी जब आप पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, उसके बाद में ये चर्चा। देखिए अब उस टाइम का इंटरव्यू भी आप लोग निकाल के लाए, तो मैंने तो अभी बोला कि प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैंने कोई उनकी बुराई नहीं की है, शी वॉज वेरी 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 कामली पर्सन, बहुत शांत और बहुत धैर्य से बात की, बहुत अच्छे से मुझसे बात की और बहुत अच्छी है, मैं अभी यही बोल रही हूँ। मैंने हाँ हाँ जी दोनों बात। आपने बोला कि आप वोट नहीं डाल रहे और चुनाव आयोग पूरा इस पे फोकस करता है कि वोट क्यों नहीं डालते, क्योंकि आप चुनाव की तैयारी? क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि हाँ किसी बंदे को वोट देना चाहिए और मेरा कीमती है तो मैं जरूर दूंगी, अभी तक तो मुझे लगता नहीं मेरा वोट कीमती। आपके नाम का कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको कॉन्टेस्ट करने की? और कांग्रेस को क्यों बोलूं मैं, अगर मान लीजिए नाम इस्तेमाल हो ही रहा है तो हो जाने दीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रियंका गांधी से फोटो आपकी आई इसी समय आई, चुनाव सर पे है, सब चीजें जुड़ रही हैं। देखिए अभी मैं लड़ तो नहीं रही हूँ ना, वहाँ से मैं खड़ी तो नहीं हूँ ना, मौका मिले तो लड़ने में क्या कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम है, अभी नहीं लड़ना तो क्यों? स्टार प्रचारक भी एक चीज होता है, अपना स्टार प्रचारक जो लड़ते नहीं लेकिन प्रचार करते हैं। नहीं करूंगी प्रचार, नहीं कांग्रेस का नहीं करेंगे। सपना, मनोज तिवारी ने ये कहा है। आप मनोज तिवारी से मिल के आए क्या? जी। अच्छा, हाँ, मनोज तिवारी ने ये कहा है कि एक तो आपकी उम्र नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने की, पहली बात। दूसरी बात ये
कि जो भी पूरी फोटो आई जाल में कुछ काला है और कुछ जबरदस्ती टाइप ये ज्वाइनिंग हुई? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जबरदस्ती या कोई किसी से कुछ नहीं कर सकता है। मैं भी प्रॉपर इंसान हूँ, आप भी प्रॉपर इंसान है। आपसे जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करा सकती हूँ। बस फर्क यह है कि आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं मेरे तरीके से कर रही हूँ, आप अपने तरीके से कर रहे हैं। लोकसभा लड़ने की उम्र है आपकी? नहीं है। अपनी व्यथा बताइए, अपनी मनोज तिवारी को फोन करके अपनी तकलीफ बताइए कि देखिए मेरा ऐसा ऐसा नाम कांग्रेस से जुड़ गया है। ये तकलीफ तो आपने बताई होगी फोन करके, किसी को भी बता सकती हूँ। अभी पर्सनल जिंदगी में भी झांकेंगे आप मेरी? नहीं नहीं, नहीं राजनीतिक जिंदगी है ये राजनीतिक नहीं है। मैं किसी को भी अपने दिल का हाल बता सकती हूँ और किसी से भी अपने दिल की बात कर सकती हूँ। ये मेरा पर्सनल मुद्दा है। अब मैं किसको फोन करके बताती हूँ, वो मेरा पॉइंट है। सपना चुनाव लड़ने की उम्र तो नहीं है आपकी, लेकिन प्रचार करने की उम्र है। सर नहीं करूंगी मैं प्रचार, सर मैं नहीं कर रही हूँ प्रचार। राजनीति से चिढ़ हो गई? नहीं, मुझे इन चीजों से छेड़ है। सपना जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव का मौसम है, 5 साल प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कैसी सरकार उन्होंने चलाई है, क्या लगता है कि उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? सर ये सरकार जाने, पब्लिक जाने, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझसे आप वो सवाल कर सकते हैं जो एक कलाकार के बतौर मैं आपको बता सकती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम कर रही थी, काम कर रही हूँ और प्रॉपर काम करती रहूँगी। अगर कुछ भी मैं स्टेप लेती हूँ आगे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप लोगों को इतनी हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए। आप कुछ भी लगाते रहते हो, छापते रहते हो, तो ऐसा मत कीजिए। आराम से, प्यार से, प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि अब मैं ये कर रही हूँ। सारे जवाब आप पॉलिटिकल दे रही हैं और आप कह रही हैं कि आप आर्टिस्ट हैं। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। अगर आप लोग चाहते हैं ना, तो मैं जरूर बनूंगी। हम चाहते नहीं है ना, हम आपके 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 जहन में जो बाहर निकालना चाहते हैं। नहीं, मेरे जहन में कुछ नहीं है। इससे पहले भी 2-3 बार अटकलें लगी आप पार्टी में, ऐसा क्यों होता है आपको बार बार राजनीति? शायद कोशिश है सबकी घसीट घसीट के लाने की। सपना जी, हम चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लेकिन जब बात पहली बार होती थी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की, तो कुरुक्षेत्र से एमपी है अश्विनी चोपड़ा जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने आपके बारे में निजी टिप्पणी की थी जब बात होती थी कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि क्या निजी टिप्पणी की थी सर? उन्होंने कहा था ना कि आपको कहा था नाचने वाली और तमाम। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यस आई एम डांसर। मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि हाँ मैं डांस करती हूँ, मैं एक डांसर हूँ, मैं एक डांस परफॉर्मर हूँ। तो इसमें कोई निजी टिप्पणी मुझे लगता नहीं कि उन्होंने की। अगर उन्होंने की, अगर आपको लगता है कि निजी टिप्पणी है, तो ये उनकी सोच है, उनकी मानसिक सोच है। और वो मुझसे बहुत बड़े, मैंने पहले भी यही बात बोली थी कि वो बहुत बड़े हैं, और अगर उनकी सोच ही उस तरफ है, तो इस बात पे मैं इतनी छोटी बच्ची उन्हें क्या समझाऊंगी। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगी आप, ये बताने के लिए कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं? अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे आप? बहुत जल्दी। अच्छा, ये तो खबर हो गई, जल्दी करेंगे। अभी नहीं मानोगे तो क्या करूं? चलिए बहुत जल्दी करो। लो 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 जी, बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपना जी मौजूद हैं। आप भी ऐसा करोगे? सपना एक एक करके सवाल 1-to-1 मैं हम लोग सुबह से आपको ट्राई कर रहे हैं। एक एक सवाल, सिर्फ एक एक सवाल, सिर्फ एक एक सवाल, एक एक सवाल, एक एक सवाल, एक एक सवाल। चलिए चलिए रोल कीजिए। एक एक सवाल आप सबका ले, सबका एक एक सवाल, सबका एक एक सवाल ले, एक एक सवाल, एक एक सवाल, एक एक सवाल, एक एक सवाल। चलिए रोल नहीं होगा खाली, सवाल बाइट होगी। चलिए सपना चौधरी इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सपना जी, आपको क्यों लगता है ये खबर कैसे फैली? आप सभी आईडी लगाइए, क्या लगता है? मुझे नहीं पता खबर कैसे फैली, लेकिन बड़ा मजा आया जैसे भी फैली। आप भविष्य में कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं भविष्य की नहीं बता सकती, मैं अभी की बता सकती हूँ।